हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही काम आने वाली टिप्स, काली गर्दन को घरेलू टिप्स से करें साफ। गेहूं के आटे से चेहरा चमक उठेगा, रात में ये लगाएं चेहरे पर कभी नहीं आएगी झुर्रियाँ। गर्दन को साफ करने के उपाय, एलोवेरा जेल। इसे लगाने के लिए सबसे पहले आप एलोवेरा का छोटा सा टुकड़ा काट लें। आप इसे एक तरफ से छील लें और उस जेल को आप अपनी गर्दन पर रगड़ें। आप इसे 5 से 7 मिनट के लिए अपनी गर्दन पर रगड़ें। इसके बाद इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही लगा रहने दें। कुछ देर तक आप इसे लगाने के बाद अपनी गर्दन को धो लें। इससे आपकी गर्दन का कालापन बिल्कुल साफ हो जाएगा। सेब का सिरका। सेब के सिरके को लगाने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच सिरका लें और उसमें 1 चम्मच पानी को मिला लें। आप इसे रुई की मदद से अपनी गर्दन पर अप्लाई करें। कुछ देर तक ऐसा ही लगे रहने दें। बाद में इसे पानी की मदद से धो लें। इससे आपकी गर्दन का कालापन दूर हो जाएगा। गेहूं का आटे का प्रयोग। आपको सबसे पहले एक कटोरा लेना है और उसमें 1 चम्मच गेहूं का आटा लें। इसके बाद इसमें 1/2 चम्मच दूध डालें। फिर आप इसमें 1/2 चम्मच शहद को डालें और इसके बाद आप 1/2 चम्मच गुलाब जल को डालकर एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लें। यह पेस्ट गीला हो जाए तो इसमें थोड़ा सा आटा और मिला लें। यह पेस्ट तैयार होने के बाद इस पेस्ट को आप अपने फेस पर लगाकर 15 मिनट के बाद छोड़ दें। 15 मिनट के बाद अपने चेहरा साधारण पानी से धो लें। आप देखेंगे कि आपका चेहरा एकदम दमक उठेगा। इससे आपके काले धब्बे और ब्लैक हेड्स भी निकल जाएंगे। रात में सोने से पहले जरूर अजमाएं नींबू के रस और शहद का मिश्रण बनाकर आपको अपने फेस पर लगाना चाहिए। इससे आपके फेस में कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी और इसके साथ साथ आपके फेस पर कील मुहासे भी दूर हो जाएंगे। अगर आप लंबे समय तक जवा दिखना चाहते हैं तो आपको एलोवेरा का प्रयोग करना चाहिए। एलोवेरा लेना है और फिर आप रात में इसको अपने चेहरे पर लगा लें। फिर कुछ घंटों के बाद इसको धो लें। इससे आपका चेहरा बिल्कुल लंबे समय के लिए जवान दिखने लगेगा। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 2 चम्मच टमाटर का रस लेकर फेस पैक बना लें और चेहरे पर सूखने तक लगाए रखें। फेस पैक सूखने के बाद साधारण पानी से मुँह धो लें। इस फेस पैक को आप हफ्ते में 2-3 बार लगाएं। 1 चम्मच बेसन में 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गुलाब जल डालकर पानी के साथ पेस्ट तैयार कर लें। अब इसे चेहरे और गर्दन पर 15 मिनट के लिए लगाए रखे दे, बाद में धो लें। इस फेस पैक से आपकी टैनिंग कम हो जाएगी। 1 चम्मच शहद में नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाएं और इसे चेहरे पर लगा लें। आँखों के एकदम पास लगाने से बचें। 20 मिनट रखकर चेहरा धो लें। इसे हफ्ते में 2-3 बार लगा सकते हैं। ये काले धब्बे को कम करने में भी फायदेमंद है। 1 चम्मच चावल के आटे में 1/2 चम्मच चंदन डाल पाउडर डालें और 1-2 चम्मच गुलाब जल के साथ पेस्ट तैयार करें। इस फेस पैक को चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करते हुए लगाएं और लगभग 10 मिनट रखकर धो लें। हल्की पिसी हुई शक्कर में हल्दी, विटामिन ई का कैप्सूल और नारियल तेल डालकर चेहरे को स्क्रब करें। इसके बाद साधारण पानी या हल्के गुनगुने पानी से चेहरा धो लें। इससे आपकी त्वचा 5 मिनट में ग्लोइंग बन जाएगी। नारियल के तेल में कॉफ़ी मिलाकर चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें। कुछ देर बाद चेहरे को छोड़ दें और फिर अपना चेहरा धो लें। 1 चुटकी हल्दी लेकर के उसमें नारियल तेल मिलाएं और फिर इसे चेहरे पर ठीक तरह से अप्लाई करें। 15 मिनट तक चेहरे पर छोड़ दें और फिर अपने चेहरे को धो लें। नींबू के रस में थोड़ा सा कच्चा दूध और नारियल तेल मिक्स करना है। चेहरे पर लगाने के बाद कुछ देर मसाज करके छोड़ देना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।